आज मैं एक और नया कमाल का वीडियो लेके आया हूँ। और ये जो पूरा वीडियो है यहाँ पे, ये गुड्स से रिलेटेड है। और सबसे पहले हम व्हील और एक्सल से शुरू करेंगे, व्हील और एक्सल के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं व्हील डाया यूज्ड ऑन बॉक्स बाय यूआईसी बॉगीज। और इसमें जो नए व्हील का डाया होता है 1000 mm होता है और ये कंडेम हो जाता है 860 mm पे। व्हील डाया यूज्ड ऑन बॉक्सन कैस्नो बॉगी। जो बॉक्सन कैस्नो बॉगी होता है उसमें जो व्हील डाया होता है नया 1000 mm होता है और ये कंडम हो जाता है 906 mm पे। अगला पॉइंट, लेटरल क्लियरेंस बिटवीन एक्सल बॉक्स लग एंड हॉर्न चेक फॉर बॉक्स यूआईसी वैगन्स। और ये न्यू में है 20 और कंडम हो जाता है 25 mm। अगला पॉइंट, लेटरल क्लियरेंस अवेलेबल बिटवीन स्प्रिंग बकल एंड हॉर्न गैप स्टेपनर फॉर यूआईसी। ये 25 mm नए का होता है। अगला पॉइंट, लेटरल क्लियरेंस फॉर सीआरटी वैगन 12 mm न्यू में होता है। बफर हाइट फ्रॉम रेल लेबल मैक्सिमम 1105 mm होता है एमटी में और मिनिमम 1030 होता है लोड में। अगला पॉइंट देखते हैं, पिस्टन स्ट्रोक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप डिपार्टमेंटल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप सीएनडब्ल्यू डिपार्टमेंट में काम करते हैं तो ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो यहाँ टाइप ऑफ वैगन है और यहाँ पे पिस्टन स्ट्रोक है, एमटी में क्या होता है, लोड में क्या होता है। तो यहाँ पे पहला जो है बॉक्सन, बीसीएन, बीसीएन ए, बीआरएन, बीटीपी, जीएलएन। इसका जो एमटी होता है, पिस्टन स्ट्रोक होता है 85 ±10, लोड में 130 mm ±10 mm। बीटीपीएन का 87 ±10 mm, 117 mm ±10 mm। बीओवाई का 90 mm ±10 mm और लोड में 135 mm ±10 mm। बीबीजेडसी का 70 mm ±10 mm और लोड में इसका कुछ नहीं होता है क्योंकि इसमें लोड कुछ होता नहीं है। अगला बॉक्स बीओआई बीसीएक्स, इसका एमटी में होता है 130 mm ±, कुछ नहीं होता है और लोड में होता है 180 mm, इसमें प्लस माइनस कुछ नहीं होता है। बीओबीआरएन बीओबीआर, इसमें लोड एमटी में होता है 100 ±10 और यहाँ पे लोड में होता है 110 ±10। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से इस चीज़ को समझिएगा, याद कर लीजिएगा। बफर हाइट जो है, बफर हाइट फ्रॉम रेल लेवल और मैक्सिमम एमटी में 1105 mm होता है यहाँ पे और जो मिनिमम होता है लोड में 1030 mm होता है। चलिए आगे देखते हैं, ब्रेक पाइप प्रेशर, जो ब्रेक पाइप प्रेशर होता है ट्रेन में वो कितना कितना होता है। अप टू 56 वैगन, अगर 56 वैगन के आसपास का रेक है तो लोकोमोटिव में 5.0 kg/cm² होना चाहिए और लास्ट वैगन में मिनिमम 4.8 kg/cm² होना चाहिए, यानी 4.8 kg से कम नहीं होना चाहिए लास्ट वैगन में। दूसरा जो है मोर देन 56 वैगन, अगर 56 वैगन से ज़्यादा है तो लोकोमोटिव में 5.0 kg/cm² होना चाहिए जबकि लास्ट वाले वैगन में 4.7 kg/cm² होना चाहिए। ठीक है, ये है बीपी का प्रेशर ब्रेक पाइप का, सिंगल जो ब्रेकिंग सिस्टम गाड़ी होती है उसके लिए है ये पूरी जानकारी। चलिए आगे देखते हैं आरोच इंटरवल ऑफ वैगन्स, जो वैगन्स होते हैं उनका जो आरोच इंटरवल होता है यानी कितने कितने दिनों पे आरोच होता है उसकी जानकारी है। तो पहला देखते हैं सीरियल नंबर में, रोलर बेयरिंग टैंक वैगन, इसका जो आरोच होता है न्यूली बिल्ड यानी पहला आरोच 24 महीने में होता है और आरोच आफ्टर फर्स्ट पीओच उसके बाद होता है ये 21 महीने में। दूसरा फोर व्हीलर वैगन्स कन्वर्टेड फ्रॉम 16.3 tons प्लेन बेयरिंग टू रोलर बेयरिंग, इसका पहला जो आरोच होता है 24 महीने में उसके बाद 21 महीने में। अगला सीआरटी, इसका पहला आरोच 24 में उसके बाद 21 में। चौथा पॉइंट देखते हैं टीपीजीएलआर, इसका 24 महीना में होता है पहला आरोच और उसके बाद 24 महीना, उसके बाद वाला भी 24 महीने में ही होता है। पांचवा देखते हैं बॉक्स बीसीएक्स बीआरएच फिटेड विद यूआईसी बोगी, पहला आरोच होता है 18 महीने में और इसके बाद के भी आरोच होते हैं 18 महीने में। छठा देखते हैं बॉक्सन बीसीएन बीसीएन ए बीआरएन, पहला आयोच जो होता है वो 18 महीने में होता है न्यूली बिल्ट और उसके बाद भी जो आयोच होते हैं वो 18 18 महीने में ही होते हैं। बीओबीआर बीओबीआरएन, इसमें पहला 24 में और उसके बाद वाले भी 24 में ही होते हैं। बीटीपीएन, पहला 18 में होता है फिर बाद वाला भी 18 में ही होता है। बीटीपीजीएल और बीटीपीजीएलएन, इसमें 24 महीने पहला होता है बाद वाला भी 24 महीने में होता है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आपको नहीं पता तो ये सारी चीज़ें नोट कर लीजिएगा और ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसे बहुत सारे वीडियो आपको यहाँ पे देखने को मिलते रहेंगे। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं,
पीओच इंटरवल ऑफ एयर ब्रेक स्टॉक, वो आरओएस था, अब ये पीओच की बात हो रही है। तो पहला है बॉक्सन, फर्स्ट होता है 6 साल में, उसके बाद जो होते हैं 4.5 साल में हर बार होते हैं। BCN दूसरा जो है BCN, BCNA पहला इसका पीओच होता है 6 साल में और उसके बाद वाला भी होता है 6 साल में। तीसरा पॉइंट BRN, पहला इसका पीओच होता है 6 साल में और उसके बाद जो होता है वो 4.5 साल में होता है। अगला पॉइंट BOY, पहला पीओच 3 साल में, उसके बाद वाला भी 3-3 साल में ही होता है। BTPH, पहला इसका होता है 6 साल में पीओच, उसके बाद 4.5 साल में पीओच होता है। अगला पॉइंट BTPN, पहला पीओच होता है 6 साल में, उसके बाद का जो पीओच होता है वो भी 6-6 साल में ही होता है। सातवां पॉइंट BOBR और BOBRN, पहला पीओच होता है इसका 6 साल में और उसके बाद के भी जो पीओच होते हैं वो भी 6 साल में होते हैं। अगला पॉइंट BTPGLN, पहला पीओच 4 साल में, बाद के भी पीओच 4 साल में ही होते हैं, 4-4 साल पे होते हैं। अगला पॉइंट BTALN, पहला पीओच 4.5 साल में और इसके बाद के भी जो पीओच होते हैं 4.5-4 साल के अंतराल पे ही होते हैं। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नोट करके रख लीजिएगा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। कैसना बॉगी वैगन्स एयर ब्रेक, ठीक है। अब यहाँ पे जो कैसना बॉगी है, बॉक्सन, BCN और BRN, इनकी टोटल डिटेल यहाँ पे दी गई है। तो सबसे पहले क्या है, लेंथ ओवर हेड स्टॉक MM में है 9784 MM बॉक्सन का है, जबकि BCN का 14,500 है, जबकि BRN का 13,716 MM है। ये सारी चीज़ें MM में है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। लेंथ ओवर बफर MM में, तो बॉक्सन का यहाँ नहीं दिया गया है, BCN का भी नहीं दिया गया है और BRN में 14,986 MM होता है, ठीक है। लेंथ ओवर कपलर, अब देखिए बफर, लेंथ ओवर बफर मतलब बफर बॉक्सन और BCN में नहीं होता है, इसलिए उसमें नहीं दिया गया है। लेंथ ओवर कपलर 10,713 MM है बॉक्सन का, 15,429 MM है BCN का और 14,645 MM है BRN का। लेंथ इनसाइड लेंथ ऑफ वॉल, जो इनसाइड लेंथ ऑफ वॉल इनसाइड 9,784 MM है बॉक्सन का, 14,494 MM है BCN का, 13,716 MM है BRN का। विड्थ डाया इनसाइड, अंदर का विड्थ डाया, तो बॉक्सन का हो गया 2,950 MM, BCN का है 2,944 MM, जबकि BRN में है 2,845 MM। इनसाइड हाइट, हाइट ऑफ वॉल, जो बॉक्सन है 1,950 MM का है और यहाँ पे BCN का 2,446 MM है। व्हील बेस MM में, बहुत इंपॉर्टेंट है व्हील बेस, बॉक्सन का व्हील बेस है 2,000 MM, BCN का व्हील बेस है 2,000 MM और BRN का भी व्हील बेस है 2,000 MM, तीनों का व्हील बेस बराबर है 2,000 MM। बॉगी सेंटर MM में, बॉक्सन का 6,524 MM, BCN का 10,000 MM, जबकि BRN का 9,144 MM। जर्नल साइज CTRB बैरिंग वाले, जो CTRB बैरिंग लगे हुए एक्सल होते हैं उनका जर्नल साइज, तो बॉक्सन का है 144.5 MM, BCN का है 144.5 MM और BRN का भी है 144.5 MM, तीनों का सेम है। जर्नल सेंटर, ऊपर जर्नल साइज था, नीचे जर्नल सेंटर है, तो यहाँ पे बॉक्सन का 2260 यानी 2260 MM है, जबकि BCN का 2260 MM है और BRN का 2240 MM है। तो यहाँ पे बॉक्सन और BCN का जो जर्नल सेंटर है बराबर है, जबकि BRN का थोड़ा सा कम है, 20 MM कम है। अगला पॉइंट व्हील डाया ऑन ट्रेड, तो बॉक्सन का व्हील डाया 1,000 MM है, BCN का भी 1,000 MM है और BRN का भी 1,000 MM है, तीनों का जो व्हील डाया है ट्रेड का वो लगभग तीनों का पूरा बराबर ही 1,000 MM है। मैक्सिमम एक्सेल लोड टन में देखते हैं, तो बॉक्सन का 20.32 टन है, BCN का 20.32 टन है और BRN का भी 20.32 टन है, तीनों का एक्सेल लोड सेम है 20.32 टन। टेयर वेट देख लेते हैं, ये भी टन में है, BCN बॉक्सन का टेयर वेट है 22.47, BCN का टेयर वेट है 27.20, जबकि BRN का टेयर वेट है 24.4 टन। पेलोड ये भी टन में है, पेलोड कितना होता है, तो बॉक्सन का पेलोड है 58.81, BCN का पेलोड है 54.8, जबकि BRN का पेलोड है 56.9। ग्रोस लोड पे प्लस टेयर, यानी ग्रोस लोड उसको कहते हैं कि वहाँ पे लोड और टेयर लोड दोनों को मिला के जो लोड होता है वो ग्रोस लोड कहलाता है। तो ये बॉक्सन में है 81.28 टन,
और BCN में 81.28 टन, जबकि यहाँ पे BRN में 81.3 टन। अगला है रेशियो ग्रोस लोड और टेयर, तो यहाँ पे BOXN का है 3.62 और यहाँ पे BCN का है 2.99, जबकि BRN का है 3.33। लोड डेंसिटी BOXN का है 7.59, BCN का है 5.27, जबकि BRN का है 5.55। फ्लोर एरिया स्क्वायर मीटर में BOXN का फ्लोर एरिया है 28.86, जबकि BCN का है 42.67 और BRN का है 39। क्यूबिक कैपेसिटी BOXN का 56.28, BCN का 104 यानी 104.37 और यहाँ पे BRN में कुछ भी नहीं है। टोटल ब्रेक पावर MT में किलोग्राम पे है ये, और जब गाड़ी खाली हो तो BOXN का है 18,900 किलोग्राम, BCN का है 18,900 किलोग्राम, BRN का है 18,900 किलोग्राम। टोटल ब्रेक पावर लोड में BOXN का है 33,642, BCN का है 33,642, जबकि BRN का भी है 33,642, तो तीनों का बराबर है। चलिए आगे देखते हैं BOXT, BOXC और BCXT के बारे में। लेंथ ओवर हेडस्टॉक जो होता है 12,800 है, 12,800, 14,500। यहाँ पे लेंथ ओवर बफर 14,070 नॉट अवेलेबल BOXC का है और BOXC XT का 15,770। लेंथ ओवर कपलर 14,082 BOXC का है 13,729, जबकि BCXT का है 15,782। लेंथ इनसाइड लेंथ ऑफ वॉल 12,792 है BOXT का, जबकि BOXC का है 12,790, जबकि BCXT का है 14,494। विड्थ इनसाइड में अंदर का 2,852 और 2,944, इसका थोड़ा सा ज़्यादा है। इनसाइड हाइट ऑफ वॉल 1,880, जबकि BCXT का है 2,446 mm। व्हील बेस काफ़ी इम्पोर्टेंट है, BOXT का व्हील बेस 2,000 mm है, BOXC का भी 2,000 mm है और BCXT का भी 2,000 mm, तीनों का व्हील बेस बराबर है। बॉगी सेंटर 8,800 mm है BOXT का, BOXC का है 8,800 mm, दोनों बराबर हैं, जबकि BCXT का है 10,000 mm। जर्नल साइज RB 130 है, RB 130 और ये भी RB 130, तीनों बराबर हैं। जर्नल सेंटर 2,240 और ये भी 2,240, तीनों बराबर है। व्हील डाया ऑन ट्रेड 1,000 mm है, 1,000 mm, 1,000 mm, तीनों का BOXT, BOXC और BCXT का व्हील जो व्हील डाया है व्हील ट्रेड वो 1,000 mm है। मैक्सिमम एक्सल लोड, देखिए दो तीन चीज़ें जो एक्सल लोड होता है, टेयर वेट होता है, पे लोड होता है, ग्रोस लोड होता है, ये इंपॉर्टेंट है। व्हील बेस, बॉगी सेंटर, जर्नल साइज, ये तीन चार चीज़ें हैं जो आपको याद होनी चाहिए, ज़्यादातर एग्जाम में यही चीज़ें पूछी जाती हैं। तो मैक्सिमम एक्सल लोड टन में तो BOXT का है 20.32 टन, BOXC का है 20.32 टन और BCXT का भी है 20.32 टन, तीनों का एक्सल लोड सेम है। टेयर वेट यहाँ पे BOXT का 26.23 टन, जबकि BOXC का 25 टन है और यहाँ पे BCXT का 28.5 टन, इस सबसे ज़्यादा है इसका। पेलोड 55.5 टन, 56.28 टन और 52.8 टन। ग्रोस लोड 81.28 टन, 81.28 टन, 81.3 टन, थोड़ा सा कम है BCXT का, ठीक है। रेशियो ग्रोस 3.1, 3.24 और 2.85। लोडिंग डेंसिटी 5.77, 5.92 और 5.16। फ्लोर एरिया स्क्वायर मीटर में 36.5, 36.5, 42.7। क्यूबिक कैपेसिटी यहाँ पे 68.58 और ये 104। टोटल ब्रेक पावर MT में 19,339, 18,618। टोटल ब्रेक पावर लोड में
34913 34913 और 34192। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी, इम्पॉर्टेंट यहाँ पे कुछ पॉइंट्स थे जो वैगन से जुड़े हुए थे। अगर आपने इसको नोट नहीं किया तो कर लीजिएगा, और ऐसे बहुत ही कमाल के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा ताकि ऐसे बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाए, ठीक है। और वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।